नमस्कार दोस्तों, रोनो पी के सोशल क्लासेस, पी के सोशल क्लासेस में आपका स्वागत। दोस्तों बात करेंगे यूपी SSC के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है और आज न्यूज़पेपर में आ चुका है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने इसका पहले भी बताया था कि कोई भी दोस्तों यहाँ पे आपका DB और टाइपिंग नहीं होगा, बशर्ते यहाँ पे केवल रिजल्ट के बारे में बात की जाएगी। जल्द ही रिजल्ट जारी होने वाला है दोस्तों। जो भी प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है उस पे जो है फोकस किया जा रहा है। फिलहाल में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा, लोअर PCS, जूनियर असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट सभी। चलिए मैं आपको न्यूज़पेपर दिखाता हूँ कि किस न्यूज़पेपर में आज का UPSC का अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने पर दिया जा रहा है ध्यान, अधीन सेवा चयन आयोग की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन का सहारा लिया जा रहा है कि जो भी प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है उसको कम से कम कंप्लीट कर लिया जाए। हम देख सकते हैं, चलिए पूरा न्यूज़ देख लेते हैं। लखनऊ की न्यूज़ है, अधीन सेवा चयन आयोग ने ऑनलाइन के सहारे लॉकडाउन में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आयोग में बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। इन बैठकों के सहारे भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करने का विचार कर रहा है। COVID-19 महामारी के बाद लॉकडाउन होते ही आयोग ने सभी प्रक्रियाएं रोक दी। भर्ती परीक्षाएं, प्रमाण पत्रों का मिलान और यहां तक आयोग की बैठकें भी स्थगित कर दी गई है। लॉकडाउन लंबा खिंचता देख आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पर काम शुरू कर दिया है, जिससे इस बीच रिजल्ट जारी कर दिया जाए और इसके समाप्त होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट जारी करने की बात चल रही है। आयोग के अध्यक्ष के साथ सभी 6 सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भर्ती प्रक्रियाओं और उसकी प्रगति पर चर्चाएं कर रहे हैं। इसमें भर्ती परीक्षाओं की स्थिति और उसके परिणाम के बारे में खासकर चर्चाएं हो रही है। आयोग के अध्यक्ष ने परीक्षा नियंत्रक से इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी है। इसके साथ ही परीक्षाएं कराने वाली एजेंसियों से बातचीत करने को भी कहा गया है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ, अधीनस्थ चयन आयोग ने रिजल्ट निकालने पर शुरू किया मंथन। पहले हो चुकी परीक्षाओं के काम में तेजी लाने की कोशिश। तो जो पहले कि आपका एग्जाम हो चुका है, जैसे लोअर PCS हुआ या TA हुआ या जूनियर असिस्टेंट हुआ, इसका रिजल्ट जारी करने की उम्मीद की जा रही है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, किस कौन सी परीक्षाएं का रिजल्ट जारी करने की जल्द से जल्द आयोग उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे UPSC के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोअर PCS के रिजल्ट की प्रायिकता दी जाएगी, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की प्रायिकता दी जाएगी, फिर AGTA यानी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की प्रायिकता दी जाएगी, इसके बाद जो है केंद्र सुपरवाइजर की प्रायिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे चार देख सकते हैं, चार एग्जाम की प्रायिकता दी जाएगी जिसका रिजल्ट जल्द से जल्द आयोग जारी कर लेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, लाइक कीजिएगा, शेयर, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब, इसी प्रकार से आपको अपडेट मिलता रहेगा। UPSC से अपडेट मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। धन्यवाद।